नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम रत्नागिरी सिटी में हैं। आज दिन भर हम यहां पर घूमेंगे, 3 बजे तक 4 बजे तक 5 बजे तक, और उसके बाद हम सिंधुदुर्ग को जाएंगे। दिन की शुरुआत आज हम सुबह 7 बजे कर रहे हैं। मौसम क्लाउडी है, बरसात हो सकती है। कल रात को हम यहाँ पर रुके थे। सामने आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, होटल सी फैंस, समुद्र किनारे पे ये होटल है। यहाँ पर हम रात को रुके थे। अभी सुबह जब रोशनी में हमने खिड़की के बाहर से व्यू देखा तो हमारे को ये वॉकवे दिखाई दिया, तो हमने सोचा सबसे पहले यहाँ वॉकवे से चलते चलते आगे तक जाते हैं और अरेबियन सी को नज़दीक से देखते हैं, और उसके बाद हम सामने जाएंगे। वो लाइट हाउस आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे रत्नादुर्ग फोर्ट है, फोर्ट विजिट करने जाएंगे। आइए पहले थोड़ा वॉकवे पे चलकर आगे तक चलते हैं। लो जी, हम कॉर्नर पॉइंट तक पहुंच गए हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, मजा आ गया, सुपर्ब। देखो कितना सही लग रहा है। अभी देखो हाई टाइड का समय है। इन रॉक्स से जब पानी टकरा रहा है ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। और कुछ फिशरमैन वहाँ पर बोटिंग भी कर रहे हैं, वो देखो सामने बोट हिलते हुए देख के लग रहा है कि पानी का बहाव अच्छा खासा तेज है। लवली, सामने उस तरफ को देखो, वो जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक तरह से गार्ड पॉइंट है। एक गार्ड पॉइंट वहाँ पर है और दूसरा गार्ड पॉइंट वो वहाँ पर है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके, वाओ। तो आप रत्नागिरी आएंगे तो आपको भी दिन की शुरुआत इसी जगह से करनी चाहिए, या शाम के समय आना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ब्यूटीफुल। इस समय हल्की हल्की बरसात हो रही है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम रत्नादुर्ग फोर्ट आधे या पौने घंटे के बाद जाएंगे। पहले हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के लिए अभी हम ना, ये सामने जो शॉप है ना, गांधी मिसल करके, यहाँ पर आए हैं। आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ सुधीर जी के साथ। सुधीर जी, नमस्ते जी। सुधीर जी और इनके फ्रेंड्स ने मिलकर पेट्रोग्लिफ्स की खोज करी है, तो बजाय मैं पेट्रोग्लिफ्स के बारे में बोलूँ, हम इन्हीं से जानेंगे। तो पहले हम आपसे पेट्रोग्लिफ्स के बारे में समझते हैं, फिर नाश्ता करेंगे। अभी कैसा 8 बज चुके हैं और इनको ना 8:30 कहीं जाना है, तो इसलिए पहले पेट्रोल भी समझते हैं, फिर आपके साथ नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग, फिर आप निकल जाइएगा, फिर हम रत्नादुर्ग फोर्ट चले जाएंगे। मैं आपसे बेसिकली जानना चाहता हूँ, ये पेट्रोग्लिफ्स एग्जैक्टली है क्या चीज़? आपने और आपके फ्रेंड्स ने इसकी खोज कब करी? पेट्रोग्लिफ्स पुराने आदमी ने पत्थर के ऊपर कार्व करके जो इमेज बनाया है उसको पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। ये आर्कोलॉजिकल टर्म्स है जो ब्रॉड इमेज में रॉक आर्ट के अंदर आता है। कोकण एरिया के हम लोग देखने के लिए जाए तो कोकण एरिया में 2012 से लेकर मैं और मेरा दोस्त के साथ हम लोगों ने तकरीबन 1600 से ज़्यादा पेट्रोग्लिफ्स का खोज के निकाले हैं। उसमें हम लोग कुछ अलग अलग तरह से एनिमल देख सकते हैं, बर्ड्स का फिगर देख सकते हैं, ह्यूमन फिगर्स है, कुछ ज्योमेट्रिक फिगर्स भी है। उसका डेटिंग के लिए हम लोग अगर बोलने के लिए जाए तो तकरीबन 10,000 साल से भी पुराना ये चीज़ है। जो एविडेंस सामने आए उसी के हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। पेट्रोग्लिफ्स के बारे में ज़्यादा बताना ये है कि एक हमारा पुराने ज़माना जगह जो आदमी जैसा रहता था वो कैसा रहता था, वो पीरियड क्या था, वो आज के पेट्रोग्लिफ्स के तरीके हमारे सामने आ रहा है। तो एक चीज़ बताइए, जैसे हमें मालूम है आज हाथी कैसा दिखता है, एलिफेंट, तो जो आपने पेट्रोग्लिफ्स आइडेंटिफाई करे उनमें सबसे बड़ा एलिफेंट फिगर कितनी बड़ी है? कशेड़ी करके विलेज है, उधर एक पेट्रोग्लिफ्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वो हाथी का फिगर है और उसका साइज है तकरीबन 50 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा। 50 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा हो, आप लोगों को अगर देखने का है तो आपको ड्रोन जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना ही पड़ता है। उधर कम से कम 200 फिगर्स का पेट्रोग्लिफ्स का क्लस्टर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अच्छा जी, सही है, आपने थैंक्स, हमें बड़ी रिच इन्फॉर्मेशन दी। अभी खाना का नाश्ता करते हैं। आइए जी। लो जी, मिसल आ गया। अच्छा, रस्सा का टेक्सचर देखो कैसा है,
अच्छा एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ मिसल में आलू भी है। आलू भी है, आमतौर पे फरसान और रसा मेन इसके इंग्रेडिएंट है। अच्छा बनाया। आमतौर पे मैंने देखा मिसल में ना तीखापन ज्यादा होता है, मैंने मुंबई में एक दो जगह देखा था, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, बड़ा सॉफ्ट है, तीखा काफी कम है, नॉर्मल जैसा टेस्ट होता है ना। अगर आप इसमें दही मिलाते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है और खूब अच्छा। अच्छा वेरी गुड, तो दही से और अच्छा लगेगा। सही कहा आपने, वैसे जितना टेस्ट आ रहा था ना और ज्यादा अच्छा आ रहा है दही के साथ। वेरी गुड। तो सुधीर जी अभी आप तो लेट हो गए हो, तो फिर भी अगर आपकी वापसी 3 बजे तक हो जाती है तो हम आपको दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। डेफिनेटली। और कोशिश करेंगे यहाँ से विजय दुर्ग के रास्ते में हम एक बार दूसरा पेट्रोग्लिप्स का सही पेट्रोग्लिप्स देख सकें। बाकी फिर थोड़ा बारिश में भी निर्भर करता है और इसमें भी निर्भर करता है कि आप अपने शेड्यूल से फ्री हो सकें। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक्स आपने जो समय दिया उसके लिए। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं, धन्यवाद। हमारे देश के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिनका नाम है लोकमान्य तिलक जी। इस समय हम उनके बर्थ प्लेस के दर्शन करने आए हैं। स्टैचू के साथ ही उनका जीवन चित्र ऐसा कोलाज की फॉर्म में यहाँ पर बनाया गया जिससे कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आए वो उनकी लाइफ के बारे में समझ सकें। इसको देख के मैं जो जो समझ पा रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम यहाँ टॉप में देखेंगे स्वामी विवेकानंद, इस तरफ को छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब वो लोग हैं जिनको वो अपना आदर्श मानते थे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं लोकमान्य तिलक जी खड़े हुए हैं और वो एड्रेस कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इधर केसरी लिखा हुआ, हम सब जानते हैं लोकमान्य तिलक जी जो लेख लिखते थे लोग उसको पढ़ते थे और उससे इंस्पायर होते थे। यहाँ पर जो आप जेल देख रहे हैं ये मंडाली का जेल है, बर्मा में है जगह। यहाँ पर तिलक जी को नज़रबंद किया गया था। बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर तिलक जी के जीवन चित्र को प्रेजेंट किया है जिससे कोई भी इसको देखे तो उनके लाइफ के बारे में समझ सके। इस समय हम उनके घर के बाहर ही खड़े हैं, अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के उनके जीवन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी मैं तिलक जी के जन्म स्थान के दर्शन करके बाहर की ओर आ चुका हूँ। वीडियोग्राफी अंदर की ओर अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको बाहर आके बता रहा हूँ मैंने अंदर क्या क्या देखा। आपकी जानकारी के लिए ये वही स्थान है जहाँ पर तिलक जी का जन्म हुआ। 10 साल की उम्र तक वो यहीं पर थे, उसके बाद पूना चले गए थे। उनका जो मूल गाँव है वो दापोली है, दापोली कोंकण क्षेत्र में ही है। हम परसों दापोली भी गए थे लेकिन वहाँ पर हम उनके गाँव नहीं जा सके। आपकी जानकारी के लिए तिलक जी का जो जीवन काल था वो 1856 से 1920 तक का था। उन्होंने फ्रीडम के लिए तो बहुत काम किया ही किया, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम करे जो समाज को एकजुट करने जैसे काम थे। उदाहरण के तौर पर आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में काफ़ी जगह सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता है, मतलब कम्युनिटी इकट्ठी होती है और एक जगह वो भगवान गणपति की आराधना करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी जो शुरुआत थी या जो नींव रखी गई थी वो तिलक जी ने ही रखी थी। तो उन्होंने यहाँ पर नज़दीक में ही एक टेंपल है वहाँ पर सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया था, तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। हम सब जानते ही हैं कि तिलक जी अपनी राइटिंग के लिए जाने जाते थे, जब वो लिखते थे लोग इंस्पायर होते थे, उसके बारे में अंदर इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो अगर आप फोटोग्राफ्स को ही देखेंगे तो उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। अच्छा रहा हम यहाँ पर आए और हमने ये स्थान विज़िट किया। अब हम यहाँ से नज़दीक में ही पतित पावन मंदिर है, टेंपल विज़िट करेंगे और उसके बाद हम फोर्ट को जाएंगे। हम मंदिर के अंदर आए,
इस समय कोविड के बाद ना टेम्पल रीओपन नहीं हुआ, तो हमने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के बाहर से ही दर्शन करें। मेरे साथ इस समय उन्मेश जी हैं, ट्रस्ट के उन्मेश जी अध्यक्ष हैं। कुछ देर से मैं इनसे डिस्कस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले इन्होंने बताया कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना 1931 में की गई। इसके पीछे की जो बैकग्राउंड रीज़न है वो कुछ ऐसा है कि वीर सावरकर जी जब अंडेमान से रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आए तो उन्होंने उन पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप सोशल गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पॉलिटिकल भाषण नहीं दे सकते। अब उन रिस्ट्रिक्शंस के बीच में उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे समाज को सुधरने का मौका मिले और सारे हिंदू एक संगठन की फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि उसमें भी क्या है, जाति के आधार पर ऊंच नीच हुआ करता था उस समय। तो सबसे पहले उन्होंने रियलाइज किया कि टेम्पल के अंदर शूद्र जाति के लोगों को जाना अलाउड नहीं था, तो इस पर इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर उन्होंने मंदिर का निर्माण कार्य किया। मंदिर बन जाने के बाद उन्होंने लोगों की सोच बदली। मंदिर के साथ ही ना फर्स्ट फ्लोर में एक म्यूजियम है, उन्मेश जी हमें म्यूजियम दिखाने लेकर गए। मैंने देखा उस समय जो क्रांतिकारी हुआ करते थे उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके जीवन के बारे में, मतलब क्रांतिकारी जो थे उनके जीवन के बारे में डिटेल्ड में मराठी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। हमने एक सेक्शन था वहाँ पर, सावरकर जी जब लंदन में रहा करते थे तो क्रांतिकारी जो हिंदुस्तान में थे उनको पिस्तौल कैसे भेजा करते थे वो उन्होंने दिखाया। और जो पिस्तौल है यहाँ पर वो असली की पिस्तौल है, तो बुक के अंदर एक शेप बनाकर ना वहाँ पिस्तौल रख देते थे और वहाँ से लंदन से इंडिया में भेजा करते थे। हमने खंजर भी देखा, लाठी भी देखी, और जो वो चश्मा पहनते थे वो चश्मा भी देखा। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप म्यूज़ियम विज़िट करिए, और यहाँ पर इनका ऑफिस भी है। ऑफिस में ट्रस्ट के किसी मेंबर को अगर बोलेंगे कि साथ चल के आपको समझाएं तो वो दे विल बी मोर देन हैप्पी आपको असिस्ट करने के लिए। थोड़ी देर पहले आप हमें बता रहे थे कि आपके ग्रैंडफादर वीर सावरकर जी के साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, फ्रीडम फाइट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सावरकर जी रत्नागिरी पहली बार आ गए उनके उसी वक्त से मेरे ग्रैंडफादर उनके साथ थे, और हिंदू संगठन में जो पतित पावन मंदिर जो देश में एकमेव है वो बनाने निर्माण करने में बागोजी शेटकर का हाथ था, और उसमें बड़ा हाथ मेरे ग्रैंडफादर जी का था। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, आपसे मिलकर अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और वीर सावरकर जी से जुड़ी हुई जो आपने सारी बातें हमें बताई हैं, ये सब जानकर किसी को भी मन के अंदर एक देशभक्ति की भावना जो होती है ना वो जागृत हो जाती है। ये तो उद्देश्य है मेन मंदिर का। धन्यवाद धन्यवाद। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, रत्न दुर्ग फोर्ट पहाड़ के ऊपर है, तो लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र करके हम एंट्री गेट तक आ चुके हैं। चलिए फोर्ट के अंदर जाएंगे। फोर्ट एंटर करते ही सबसे पहले टेंपल विजिट करेंगे, माँ भगवती का ये बहुत प्राचीन मंदिर है। चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। माँ भगवती ने रत्नासुर नामक राक्षस का वध किया था, उसके बाद माँ भगवती यहां पर विराजमान हो गई। यात्री यहाँ पर माँ भगवती के साक्षात दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं, और बहुत मान्यता है इस स्थान की। चलिए अब हम बाहर की ओर चलते हैं। वाओ, व्हाट अ व्यू, बड़ा अच्छा लग रहा है। नीचे से मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था ऊपर जाके व्यू कैसा आएगा। देखो समुद्र का पानी एकदम ब्लू कलर, व्यू तो बहुत ऑसम है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए थोड़ा फोर्ट विजिट करते हैं। सामने ये फोटोग्राफी पॉइंट है, कुछ टूरिस्ट यहाँ पर खड़े होके फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं।
आइए आगे चलते हैं। सुबह हमने वॉकवे विजिट किया था ना, यहाँ पर नीचे की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है आप वहाँ तक जा सकते हो, नीचे से कोई रास्ता होगा और ऐसी फीलिंग आएगी कि समुद्र के बीच में आप जाके खड़े हो गए। लवली। अभी हमें ना थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा था कि हम कहाँ से फोर्ट विजिट शुरू करें, तो हम रैंडम वो जो हाइट थी ना वहीं से चलना शुरू कर दिया हमने। आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलकर हम बुरुज के पास आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से खड़े होके हमें बड़ा क्लियर अंदाज़ा लग पा रहा है कि यहाँ पर तोप लगा करती थी और जो समुद्री जहाज आ रहे हैं उन पर नज़र रखी जा सकती थी। देखिए अरेबियन सी सामने, देखिए जो किला है हम विजिट कर रहे हैं, ये बहामनी डायनेस्टी के समय बनाया गया, 12th century। इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं 12th century में बना, कुछ लोग बोलते हैं 15th century में यहाँ पर किले का निर्माण किया बहामनी राजा ने। उसके बाद 1660 में ये किला आदिल शाह ने कैप्चर कर लिया, बीजापुर का सुल्तान। उसके बाद 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला कैप्चर किया। उसके बाद से ये किला मराठास के पास रहा, पेशवा भी यहाँ पर आए। अब हम थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम और कौन कौन से पॉइंट्स विजिट कर सकेंगे। पूरा फोर्ट कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए, ये पूरा किला 120 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। ये जो आप फोर्टिफिकेशन देख रहे हैं ये किले के चारों तरफ नहीं है, किले का एक हिस्सा है मेरे राइट हैंड साइड पे, वहाँ पर क्लिफ है तो उसके नीचे समुद्र है, तो वहाँ पर वहाँ से अगर कोई दुश्मन आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। तो फोर्टिफिकेशन समझ लीजिए किले की तीन तरफ से है, क्लिफ का एरिया खाली है। कुछ डायमेंशंस आपको बता रहा हूँ मैं, 1211 मीटर इस किले की लंबाई है और विड्थ है अप्रॉक्सीमेटली 917 मीटर। तो इससे इन फिगर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किला काफ़ी बड़ा है, और पूरा किला अगर आपको घूमना है तो 2 से 2.5 घंटे का समय चाहिए। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मैंने पहले भी जिक्र किया था किले के ऊपर खड़े होके सामने समुद्र का जो व्यू है ना बड़ा औसम है। कुछ देर पहले हम वहाँ खड़े होके लाइट हाउस को देख रहे थे, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, और अब हम फोर्ट में आ चुके हैं। यहाँ से वैसे तो रास्ता है लाइट हाउस तक, पैदल जाया जा सकता है, लेकिन कुछ घास उगी हुई है इसकी वजह से यहाँ से जाना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं नीचे की तरफ जाते हैं और देखते हैं हम लाइट हाउस के नज़दीक तक कहाँ तक जा सकते हैं और क्लोजअप में लाइट हाउस को देखने की कोशिश करते हैं। हम लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र करके लाइट हाउस के पास पहुंच चुके हैं। अब देखिए लाइट हाउस हम आपको कितने नज़दीक से दिखा रहे हैं। मेरे साथ इस समय राजू भाई हैं, हमें मदद करेंगे व्यू दिखाने में। लाइट हाउस तो हमने देखा, तो अच्छा समुद्र का व्यू कहाँ दिखेगा? ये समुद्र का यहाँ से ये जो तट है यहाँ से आपको समुद्र का अच्छा पूरा व्यू दिखाई देगा। आओ जी। बाय गॉड क्या व्यू है, उफ नजरों पे विश्वास नहीं हो रहा कि हम ये कैसा व्यू देख रहे हैं। सो गुड, सो एक्सक्लूसिव। आमतौर पे कहीं पे हम समुद्र का व्यू देखते हैं ना तो वो हमारे को कभी भी 180 डिग्री व्यू नहीं मिलता। मैक्सिमम कि आप बीच पे खड़े हो और सामने समुद्र देख रहे हो तो ठीक है 150 डिग्री 160 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री से भी ज़्यादा बड़ा व्यू दिख रहा है। रीज़न क्या है, सामने पहाड़ के पीछे मेरे को समुद्र दिख रहा है, यहाँ पर वो पहाड़ तक मैं समुद्र इस जगह पे खड़े होकर देख पा रहा हूँ। सामने देखो समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी चट्टान पे जो टकरा रही है ना, आप 15-20 मिनट तो इसी को देखते रह जाओगे, ये भी अपने आप में बड़ा गजब नज़ारा है। सुपर सुपर। हम सिटी के अंदर ही हैं तो हम ये व्यू देखने के लिए कहीं बाहर नहीं गए, तो अगर कभी आप यहाँ पर आएंगे और ये व्यू देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके एक्सपीरियंस में ये व्यू समुद्र का नंबर 1 होगा, एक ही जगह खड़े होके पूरा नज़ारा। अच्छा एक चीज़ और, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ना हम लाइट हाउस के पास ही खड़े हैं,
अब सामने जो लाइट हाउस है ना, यहाँ आप ऊपर जा सकते हो, उसके टाइमिंग है शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। अभी लाइट हाउस से खड़े होकर देखेंगे तो शायद आपका व्यू और विजिबिलिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। वॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस, मज़ा आ गया। राजू भाई एक चीज़ बताओ, अगर हमें माँ भगवती के मंदिर से यहाँ तक पैदल आना है तो क्या हम आ सकते हैं? जी हाँ, ये दोनों ही किले के ही भाग है। वो जो उसे माँ भगवती का टेम्पल है उसे बाले किला बोलते हैं, और ये जो दीपक स्तंभ है उसे किला बोलते हैं। तो यहाँ वहाँ से यहाँ आने के लिए पैदल 20-25 मिनट का रास्ता है, हम चल के भी आ सकते हैं। अरे वाह, ये बात का मेरे को आइडिया नहीं था। मैं आपको ये बोलूँगा कि कभी आप रत्नागिरी सिटी आएंगे ना तो ये सीन आपको मिस नहीं करना। 1 घंटे का समय लेकर आइए, क्योंकि 1 घंटे से पहले तो आपका मन नहीं भरेगा बार बार इसी व्यू को देख के। और हो सके तो शाम के समय आइए, जिससे कि आप लाइट हाउस पे खड़े होके नजारा देखो। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हम अकेले शायद लेफ्ट राइट कहीं और चले जाते, इस पॉइंट को शायद मिस कर देते। चलो धन्यवाद। मुझे किसी ने रेफरेंस दिया, अगर आप सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ आके लंच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोंकणी आंगन। इस समय हम सिटी से 6 किलोमीटर बाहर की ओर आ चुके हैं। वैसे तो सिटिंग स्पेस देखो अंदर भी है, लेकिन मुझे लगा कि बाहर हम पेड़ के नीचे बैठेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। ये देखो पेड़ है, यहाँ पर हम बैठेंगे। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करके बोला कि एक टेबल बाहर लगा दो, तो थोड़ा सा बाहर एनवायरनमेंट सही है, साथ में ये रोड भी देखते रहेंगे। अभी ये लंच लेके आ रहे हैं। मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी हम मेन हाईवे मुंबई गोवा हाईवे पे नहीं खड़े, लेकिन हम उसके पास ही खड़े हैं। अगर अपने को यहाँ से मुंबई जाना है तो 440 किलोमीटर, गोवा जाना है तो अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स। तो है तो ये रोड चलती रोड, क्योंकि अभी मैं पिछले 1-2 मिनट से देख रहा हूँ ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन ये आगे चलकर मुंबई गोवा हाईवे को कनेक्ट कर देता है। आओ जी, लंच में आप देखिए हम यहाँ पर क्या क्या खा रहे हैं। यहाँ से देखिए, सुरमई फिश करी, जैकफ्रूट का भाजी, ऊपर आप कोकोनट देख रहे हैं। सीज़न नहीं है जैकफ्रूट का, लेकिन फिर भी हम जैकफ्रूट कैसे खा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैकफ्रूट को स्टोर कर लेते हैं कुछ महीनों के लिए डी फ्रीज़र में। तो ये यहाँ की मेन रेसिपी है। मुझे किसी ने बताया कि अगर आप यहाँ पर अप्रैल मई में आ जाओगे, जब जैकफ्रूट का टाइम चल रहा होता है, तो आपको इसके अंदर इतनी डिशेस खाने को मिलेंगे आप दंग रह जाओगे। थेचा चटनी ये हम पहले खा चुके, इसमें मिर्च होती है अदरक लहसुन के अलावा। ये चीज़ बड़ी ख़ास है, वैसे तो बोलने में इसका नाम है काजू उसल, लेकिन ये अलग क्यों है, क्योंकि फैक्ट्री में जब काजू प्रोसेस होता है ना, उसके बाद का काजू इसमें इस्तेमाल नहीं किया। पेड़ से काजू निकाला, थोड़ा सा उसको वॉश करके उसका एसिड पोर्शन हटाया और यहाँ इस्तेमाल किया। ये नई चीज़ है हमारे लिए। ये देखिए जी वाल, ये मैंने एक दिन पहले खाया था, इसको कड़वे वाल बोलते हैं, तो ये मेरे लिए सेकेंड टाइम होगा। ये मेरे को बड़ा पसंद आया था। और पॉम्फ्रेट फ्राई साथ में सोल कड़ी, तो एक काम करेंगे पहले सोल कड़ी टेस्ट कर लेते हैं। गुड, आओ जी। मैं चाहता हूं कि ये मेरी पूरी जर्नी में हर फूड आइटम जो कोंकण में अवेलेबल होती है और जो पॉसिबल है इस जर्नी में हम खा सकें, उसको मैं जरूर ट्राई करूं। दोबारा कब लाइफ में मौका मिले यहाँ आने का, तो सारे एक्सपीरियंसेस हमको इसी 15-16 दिन के टूर में लेने हैं। मैं वाकई में सोच रहा हूँ, अभी सीजन नहीं है तो स्वाद इतना है, तो सीजन में कैसा स्वाद होगा। और पॉइंट टू बी नोटेड, इसका मज़ा इस नारियल के साथ है, ये मेड फॉर ईच अदर है। ऊपर नारियल डाला तो स्वाद दुगना। व्हाट अ टेस्ट, बेहतरीन।
काजू सोल मैंने पहले भी खाया था, यहाँ का स्वाद मेरे को कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें ना एक होमली टच है, मसालेदार है लेकिन होमली टच है। जैसे हम अपने घर में खाना खा रहे होते हैं ना, स्वाद आता है, कभी मसालेदार खाना बनता है वैसा स्वाद है, और स्पाइसेस लोकल होने की वजह से ना टेस्ट एकदम बदल गया। लवली काजू उसल। जब आप कोंकण आएंगे ना तो कड़वे वाल आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आपको हर रीजन का फूड एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप इस डिश को माइंड में रखिए, कड़वे वाल। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये थेचा लगाता हूँ साथ में, क्योंकि ये चटनी मैंने एक दिन पहले खाई थी, तब उन्होंने क्या किया था, चटनी में कोकम ऐड किया था, वो उनकी अपनी रेसिपी थी। वैसे इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च थोड़ा सा नारियल ये तो रहता ही रहता है। इसको हम खा लेंगे कड़वे वाल के साथ। थेचा के साथ भी सही है और बिना थेचा के भी सही है। ये जो कड़वे वाला है, नाम इसका है कड़वे, लेकिन मुझे कड़वे नहीं लग रहे, मेरे को तो बड़े स्वाद लग रहे हैं। वेरी गुड टेस्ट, लवली। सुरमई की प्रिपरेशन थिक करी में की गई है। लो जी, बड़ा यूनिक टेस्ट है। इस रीजन में मैंने देखा काफ़ी जगह फिश करी बनाते समय नारियल एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, कोकम एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है। 90% लोग ये दो कॉम्बिनेशन तो इस्तेमाल करते हैं मसाले के अलावा। टेस्ट बड़ा काबिल तारीफ है, सुरमई फ्रेश है और ग्रेवी के तो क्या कहने। आप देखो ना टेक्सचर से, देख के अंदाज़ा लग रहा है कि कितना गदर टेस्ट होगा। कुल मिला के आज का ये मील मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। अभी 10-15 मिनट लगा के इसको फिनिश करेंगे, फिर हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे रत्नागिरी सिटी 6 किलोमीटर, और फिर वहाँ पर हम थीबा पैलेस विजिट करेंगे। इस मोमेंट पे मैं श्योर नहीं हूँ पैलेस खुला है नहीं खुला, वो भी मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम लोग थीबा पैलेस जाएंगे। हम रत्नागिरी सिटी में थीबा पैलेस विजिट करने के लिए आए हैं। ये बाहर का गेट बंद है, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कोविड के बाद पैलेस विजिट रीओपन नहीं हुआ। आप पैलेस का क्लोजअप व्यू एक बार देख लीजिए। 1885 में ब्रह्म देश के राजा का नाम था थीबा, उन्होंने वहाँ पे 7 साल रूल किया, 7 ईयर्स। ब्रिटिशर्स ने उनके रीजन को पूरा कैप्चर कर लिया और उनको बंदी बनाकर हिंदुस्तान में चेन्नई ले आए। कुछ समय चेन्नई में रहने के बाद उनको यहाँ पर रत्नागिरी ले आए, और यहाँ पर इस पैलेस के अंदर वो 30 ईयर्स तक रहे, 30 साल। तो उस 30 साल यहाँ रहे, और यहाँ रहने का जो प्राइमरी पर्पस था कि अगर वो वहीं पे रहते म्यांमार में तो हो सकता था कि रिवोल्ट हो जाता ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो यहाँ पर लाके 30 साल रहे, और वो 30 साल एक तरह से बड़ा उनका दुखद एंड हुआ कि इस 4 दीवारी से बाहर वो जा ही नहीं सके क्योंकि वो नज़रबंद थे। तो ये इस दुख के कारण उनकी यहीं पे 58 ईयर्स की एज में डेथ हो गई। ये जानकारी मैंने आपको इस पैलेस के रेजिडेंट के बारे में बताई जो यहाँ रहा करते थे। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, ये जानकारी उनको मिलती है, साथ साथ वो पैलेस विजिट करते हैं। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि पैलेस के अंदर का जो आर्किटेक्चर है काबिले तारीफ है, वुडन फ्लोरिंग, ब्यूटीफुल विंडोज़, और वैसे भी यहाँ खड़े होकर भी अच्छा लग रहा है, मन हो रहा है कि हम अंदर जाएं और पैलेस विजिट करें। चलिए बढ़िया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं देवगली बीच जाने के लिए। यहाँ से देवगली सी बीच अप्रॉक्सीमेटली 39 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, और रास्ते में हमें कोई अच्छा सीनिक व्यू देखने को मिलेगा तो देखेंगे और आपको भी व्यू दिखाएंगे। आइए जी यहाँ से चलते हैं देवगली बीच को।
अभी हम रत्नागिरी सिटी से केवल 3 किलोमीटर ही आगे आए थे तो हमारे को पता चला राइट हैंड साइड पे सी बीच है, भाटे बीच के नाम से। थोड़ा सा हार्डली हम 100 मीटर आए और हमने अपनी गाड़ी वहाँ सामने खड़ी करी है। कुछ देर समुद्र किनारे वॉक करेंगे। ये बात मैं आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ ऑब्जर्व करी है। आपको समुद्र किनारे बहुत सारे सी शेल्स देखने को मिलेंगे। आप देखो कितने पास पास है ये। अब समुद्र किनारे जब आए हैं ना, ऐसा पानी में पांव डाल रहे हैं तो पानी ठंडा लग रहा है। अच्छा ये देखो लहर आई ना, तो लग रहा है ठंडा पानी है। बड़ा मज़ा आ रहा है। रत्नागिरी सिटी से हार्डली अभी हम 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही हैं। 15-20 मिनट ऐसा समुद्र किनारे थोड़ा वॉक करते हैं, लहरों का आनंद उठाते हैं और उसके बाद हम चलेंगे देवगली बीच। मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है कि आप देवगली बीच जाओ और वहाँ जाके सनसेट देखना। अब सनसेट कितना देखने को मिलेगा वो तो कह नहीं सकते क्योंकि बादल हैं हर तरफ। वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन रहता है। भाई साहब ये दोनों नारियल में क्या फर्क होता है? और ये सेहत के लिए अच्छा है। जरा ऑरेंज कलर वाला सेहत के लिए अच्छा है और ये अच्छा नहीं है? ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। ये रेगुलर कभी कभी वाला है, मीठा लगता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप हमें ऑरेंज वाला दो। कितने का एक नारियल? 50 वाला है। 50 वाला। ऑरेंज नारियल के टेस्ट में फर्क तो है लेकिन ये नहीं मालूम क्या फर्क है। चलो सही है। तो अब यहां से हम चलेंगे और आपसे कुछ देर में दोबारा मुलाकात करेंगे। हम काशैली बीच और देवगली बीच के लिए जब रास्ते में बढ़ रहे थे तो सुधीर जी से बात हुई। मॉर्निंग में मिले थे ना पेट्रोग्लिफ्स की, जिन्होंने बात करी थी तो उन्होंने बोला मैं खुद तो नहीं आ पाऊँगा कहीं, मैं ऑलरेडी किसी काम में हूँ, लेकिन उन्होंने समीर भाई के साथ कोऑर्डिनेट हमारा करवा दिया। अब इनके ये ब्रदर हैं, दोनों हमारे साथ हैं, तो आप हमारे को पेट्रोग्लिफ्स दिखाने के लिए लेकर आए हो। काशैली बीच से हम कितनी दूर है समय? 6 किलोमीटर। काशैली बीच से हम करीब 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर है ना। अब एक चीज बताओ, हम ऐसे जगह आ गए हैं जहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है, है? मतलब कितनी देखो सुनसान जगह है, सिर्फ बर्ड्स की साउंड जरूर सुनाई दे रही है और अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि अभी जो हम पेट्रोग्लिफ विजिट करने जा रहे हैं यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से मेरे ख्याल से कम 150 या 200 मीटर अंदर है। आओ जी पैदल चलेंगे। चलेंगे। तो समीर भाई अभी जो हम पेट्रोग्लिफ देखने जा रहे हैं ये किस चीज की शेप है? ज्योमेट्रिकल फिगर है। अच्छा चलते चलते हम लगभग 250 मीटर आ चुके हैं। ये पूरा जो टेरेन सामने आप देख रहे हो ये सारा सह्याद्री का ही पार्ट है और ये रॉकी टेरेन है जैसे देखो ये। तो यहाँ पर मिट्टी नहीं है, रॉक्स हैं और आपने के ऊपर घास है, ये बारिश की वजह से उग गई है। बारिश की वजह। तो गांव लगता है थोड़ा दूर है यहाँ से? गांव मेरे ख्याल से यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर पे ठीक है। हम पेट्रोग्लिफ्स के यहाँ आ चुके हैं। ये जो बाहर का शेप है सर ये पूरा स्क्वायर है और वो जो अंदर का पार्ट दिख रहा है उसमें सर्कल है और अलग अलग तरीके के ज्योमेट्रिकल पार्ट ही है। आप यहाँ आ जाइए सर, यहाँ का जो पार्ट है ये लज्जा गौरी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है मनुष्याकृति जो रहता है उसमें कद का पार्ट जो रहता है वो नहीं आता है, खाली पैर का जो पोर्शन रहता है मनुष्य का वैसा शेप है ये पूरा। आपकी टीम ने और स्टेट आर्कियोलॉजी ने मिलकर जो फाइंडिंग करी है उसके मुताबिक ये पर्टिकुलर पेट्रोग्लिफ जो हम देख रहे हैं कितना प्राचीन है? ये मेरे ख्याल से 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अच्छा जी 5000 साल। आज सुबह सुधीर जी ने भी जिक्र किया था कि कोई पेट्रोग्लिफ 5000 साल पुराना है, कोई 10000 और कोई 15000 साल पुराना है, ऐसी जजमेंट की जा रही है पेट्रोग्लिफ को देखकर। और इससे एक बात तो बड़ी क्लियर है, इस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी थी तभी तो ये चीज़ बनाई गई है ना। और मैंने
जैसे हम आ रहे थे मैं नोटिस कर रहा था ये पूरा एरिया हार्ड रॉक एरिया है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास कोई चौक होता या चूना होता तो हम बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट कर देते। कहने का मतलब है चौक से बॉर्डर्स पे लगा देते तो शेप पूरी समझ आ जाती, ये स्क्वायर समझ आ रहा है, स्क्वायर के अंदर का सर्कल समझ आ रहा है। और ये आपने बताया लज्जा गौरी का शेप, लज्जा गौरी की शेप ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, बाकी ये घास हट जाएगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने इसको, ये भी एक सवाल है अपने आप में। गाँव वाले भी बोल रहे थे ऐसा एक कुछ खुदाई किया हुआ है, वहाँ से हिंट मिली। हमारी टीम जिसमें सुधीर जी है, धनंजय मराठी जी है, ये हम सब लोग आए यहाँ पे, तब सबने कंफर्म किया और आर्कियोलॉजी को भी विजिट कराया होगा। बिल्कुल, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। लवली, सही एक्सपीरियंस रहा आपके साथ यहाँ पे आना और ये देखना, वेरी गुड। एक ना आसमान का जैसा रंग होना चाहिए ना, वो हमको महसूस हो रहा है क्योंकि हम नो पॉल्यूशन जोन में है, किसी भी तरह का हवा में पॉल्यूशन नहीं है, एयर की प्योरिटी जो यहाँ महसूस कर पा रहे हैं ये नॉइज़ का भी पॉल्यूशन। हाँ, एक और बात, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, तो मतलब एक बड़ा सूदिंग एनवायरनमेंट है। चलो आपका धन्यवाद, और अगर आपके पास समय हो, आपके पास या ब्रदर के पास, तो हमें काशेली बीच मेरा भाई जरूर आएगा। अच्छा, तो उससे क्या थोड़ा हमारे रास्ते की गाइडेंस हो जाएगी। ठीक है, चलो ग्रेट। पेट्रोग्लिफ विजिट कर हम कशेली की ओर बढ़ रहे थे तो अंधेरा हो गया, तो मुझे लगा कोई पॉइंट नहीं है कि अंधेरे में हम सी बीच देखें और मतलब मज़ा भी अधूरा हो हमारा। तो हमने यहाँ पर रहने के लिए ना एक एकोमोडेशन आइडेंटिफाई कर ली है, मेन हाईवे पर ही एक होटल है, इसका नाम है रत्न प्रभा पैलेस। अब यहाँ पर कैसा है कि लेफ्ट में राइट में कुछ और तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, खाली रोड है, तो लोकेशन ऐसी है कि पिन ड्रॉप साइलेंस है, एक अच्छा शांत वातावरण है। अब अंदर से रूम तो आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमने लिया है, 2000 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी में टैरिफ है एसी रूम का, और नॉन एसी रूम का 1000 रुपीज़। बाहर से भी थोड़ा सा बिल्डिंग तो देख सकते हैं कि कैसे दिखती है, बाकी मॉर्निंग में मैं अच्छे से दिखा दूंगा। आज रात को हम यहाँ पे रुक रहे हैं, कल हमारा सुबह का प्रोग्राम ऑब्वियसली ये रहेगा कशेली बीच, फिर जो जो पॉइंट्स हमने मिस कर दिए। सुना है नज़दीक में एक आइलैंड भी है, वहाँ पर 104 घर हैं, तो कोशिश करेंगे वो आइलैंड विजिट करें, और करते करते हम विजय दुर्ग होते हुए कल रात को कुणकेश्वर पहुंचने का प्लान कर रहे हैं। वैसे देखेंगे तो कुणकेश्वर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ मुश्किल से 1.5 आवर 2 आवर का रास्ता है, लेकिन साइटिंग स्पॉट्स के हिसाब से देखेंगे तो पूरे दिन की जर्नी है ये, राइट। तो अभी मैं यहीं पर आपको बाय बाय कर रहा हूँ, और कल हम सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में होंगे, मतलब कल का नाइट स्टे हमारा वहाँ पर रहेगा, और आज हम इस समय रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो आपने देखा हमने कैसे शुरू करी थी, शुरुआत करी थी मुंबई से चलकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद कल हम चले जाएंगे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। चलो जी, अभी आपको बाय बाय, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम। मतलब इसको मैं क्या बोलूं, ये जगह कितनी प्यारी है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जब भी आप कोंकण टूर प्लान करेंगे जल्दबाजी में मत करिएगा, मतलब कम दिनों के हिसाब से मत करिएगा, कम से कम 12 से 13 दिन की मिनिमम विंडो लेके चलना। और जितने ये पॉइंट्स हैं जो जो बहुत ज़बरदस्त हैं, वहाँ तो ज़रूर रुकना, बड़ा मज़ा आएगा, जन्नत है ये जगह। आप नीचे की सैंड ही देख लो, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस जगह भी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और समुद्र की लहरें देखो हाई टाइड के समय कैसे आ रही है, कि यहाँ तक पानी आ रहा है। लवली।